बड़ी खबर बालाघाट की बात करते हैं। बालाघाट में यहाँ भाषा की जो मर्यादा है वो भूल चुके हैं गौरीशंकर बिसेन। पूर्व सीएम कमलनाथ को उन्होंने चैलेंज भी किया लेकिन एक नए अंदाज में। बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखाओ, ये उन्होंने कहा है कि बालाघाट विधानसभा में चुनाव लड़कर दिखाओ, मेरे बालाघाट से लड़ो और जीत कर दिखाओ। मलाजखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे गौरीशंकर बिसेन, तो मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं और बातचीत में वो इतने भावुक हो गए कि भाषा की मर्यादा भूल गए। अब जरा उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। अरे कमलनाथ, मेरी अपनी मां का रुपया है, भगवान से तरह निकले के है, 111 बालाघाट से मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, बहुत अमूमन देखा जाता है कि बीजेपी के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, लेकिन एक एग्रेशन था जनता को अपने बीच पाकर थोड़ा भावुक भी हुए, या ये कहें कि थोड़ा भाषा की मर्यादा वहाँ थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सीजनड और बड़े ही शालीन राजनेता हैं गौरीशंकर बिसेन। हालांकि बहुत भावनात्मक व्यक्तित्व है उनका, बहुत गहरी भावना में डूबे भी राजनेता हैं वो। जो उनको करीब से जानते समझते हैं उनका कहना है कि बहुत भावना से डूबे हुए राजनेता हैं, और इधर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो भावना के सी समंदर में डूबे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने घोषणा की है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और इट इज अप टू द पार्टी कि वो उनकी बेटी को टिकट देती है या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये घोषणा करते हुए कहीं भावनात्मक तौर पर भी वो एक किसी उफान से तूफान से गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी वो किसी भी उतार चढ़ाव से जीवन के गुजरे हैं। लेकिन ये जो भाषा है, क्योंकि कमलनाथ जी भले ही लगभग उनकी उम्र और गौरीशंकर जी की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, लेकिन कोई युवा राजनेता भी होते अगर कमलनाथ, तब भी इस भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। लेकिन आपने जैसा कहा कि चुनावी मंच सामने होता है, बात करते करते तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आप जोश से भर जाते हैं, एकदम से आप अपने को एक किसी नायक की तरह अनुभव करने लगते हैं, और जब आप नायक की तरह अनुभव करने लगते हैं तो कई बार आपका स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल जाती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में मुद्दे बड़ी जल्दी बनते हैं और बात का बतंगड़ बनते भी देर नहीं लगती है। कांग्रेस के कई बयानात जो आते हैं, खुद कमलनाथ जी की तरफ से आते हैं, उनको बीजेपी हाथों हाथ लपकती है। तो गौरीशंकर जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि भले ही पंचायत चुनावों का ये मौका है फिर एक बार, लेकिन भाषा का संयम जो है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इस पर बहुत ध्यान देती है। जी, हमारे साथ शरद जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप लंबे समय से उनसे संपर्क में हैं, कई बार आप चुनावी सभाओं में साथ में भी दिखे हैं, अचानक से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपकी नज़रिए से क्या हो सकता है? देखिए, ये बात सच है कि वहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और ये बात भी सच है कि हम पिछली बार भी यदि लोकसभा को देखें तो छिंदवाड़ा छोड़कर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, तो इसीलिए छिंदवाड़ा को भी जीतने की हमारी तमन्ना है, उसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जहाँ तक, हालांकि मैंने बहुत ठीक से नहीं सुना है, लेकिन दोनों चूंकि बहुत सीनियर हैं, कमलनाथ जी भी बहुत सीनियर हैं, गौरीशंकर जी भी सीनियर हैं, तो कहीं पर भी, और आपके जो चैनल है बंसल न्यूज, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आप दोनों की करता हूँ, तो इसीलिए कहीं पर भी यदि शब्दों की मर्यादा खंडित हुई है तो मैं अपनी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, और हम ऐसी भाषा नहीं चाहते कि होना चाहिए, ना ही इसका समर्थन करते हैं जी। और ये बात आप कमलनाथ जी तक भी कह सकते हैं कि हम इस प्रकार की बातों में यकीन नहीं रखते हैं,
और उनका भी सम्मान करते ये, हैं। ये बड़ा जेस्चर है डॉक्टर साहब, ये अप्रिशिएटिंग है, अच्छी बात है ये आपने इसको, हालांकि ये आपका बयान नहीं है लेकिन आप अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से अगर इस भावना के साथ सामने आते हैं तो मुझे लगता है इस पर बहुत अधिक कुछ, लेकिन फिर भी योगेश जी की एक रिएक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगी और लेना ही चाहिए। जी योगेश जी, जी योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। योगेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? कोशिश करिए, लेकिन ये अप्रिशिएटिंग है, ये जेस्चर जो है मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब कुछ भावनात्मक आवेग में भी हो सकते हैं, गौरी शंकर जी चुनाव ना लड़ने की घोषणा की है, आखिर ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको ओढ़ना बिछोना आप बना लेते हैं, एक दिन कभी ना कभी वहां से आप किन्हीं किन्हीं कारणों से, उम्र, नई पीढ़ी को मौका देना, आप वहां से अपने दायित्व से एक तरह से मुक्त होने जैसी कोशिश करते हैं, तो कुछ उस भावनात्मक आवेग में भी ये टिप्पणी हो सकती है। हो सकता है शरद जी, और वहां पर गौरीशंकर जी बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं, हम जानते हैं, बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक या शहरी किस्म का उनका स्वभाव नहीं है जी। तो मैं आपकी सभी बातों को कंसीडर कर सकता हूं और इसीलिए मैं भी उनके पुत्रवती हूं जी, ऐसा जी, आप जी, लोग जी, मान सकते हैं, तो भाई मेरा अधिकार है कि यदि उनसे कहीं स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं और उस क्षमा की स्वीकार्यता की उम्मीद रखता हूं जी, क्योंकि हमारी भावना कतई नहीं है। देखिए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं और हमारी कतई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी की भी मर्यादा को खंडित करें। सर हमारे साथ योगेश यादव जी भी जरा जुड़ गए हैं। लेकिन योगेश जी को ये बताना जरूरी है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने एक विनम्र भाव दर्शाते हुए ये कहा है कि अगर उनकी इस टिप्पणी से कोई भावना आहत हुई है किसी की, लोगों की या खुद कांग्रेस की, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की, कमलनाथ जी की, तो वो विनम्रता से उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से माफी मांगते हैं। योगेश जी इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, सबसे पहले तो शरद जी मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा डॉक्टर वाजपेयी को कि उन्होंने अपनी सुसंस्कृति और अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया। मैं आपके जेस्चर को भी अप्रिशिएट करता हूं डॉक्टर साहब, योगेश यादव जी, मैं स्वीकार करता हूं कि उनकी ये महानता है। लेकिन जहां तक डॉक्टर गौरी शंकर जी बिसेन का जो संदर्भ है, तो मैं शरद जी वहीं से शुरू होऊंगा जहां आपने कहा कि भावनात्मक रूप से कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो भावना में कभी कभी हताशा और निराशा भी बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कई बार उनके साथ जो भी हुआ या उन्होंने जो भी किया, तो जो भी उनके साथ गड़बड़ हुई है, तो ये कभी कभी हताशा और निराशा के परिणाम, अभी उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी पुत्री को लॉन्च करें वो अच्छे तरीके से और मंत्रिमंडल में भी स्थान पाने की कोशिश की है, तो ये जो आंतरिक राजनीति की गठजोड़ होती है और उस पर जो मानसिकता तय होती है, तो व्यक्ति की भावनात्मक अभिव्यक्ति इस बात को प्रकट करती है कि वो कभी कभी अपने निराशा और हताशा और मन की कुंठा को वो सार्वजनिक रूप से बयान कर देते हैं। और मेरी मान्यता यही है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये बड़ा हास्यास्पद है कि कमलनाथ जी के सामने चुनाव लड़ना या कमलनाथ जी को बालाघाट जाकर चुनाव लड़ना, ये दोनों मतलब जिसको कहेंगे कि ये असंगत बातें हैं और इस तरीके की बातें टिप्पणी। हाँ, इस प्रचार में गौरीशंकर जी बिसेन को उनकी पार्टी में जरूर लाभ मिल सकता है या थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है जो अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने, बहुत ही संजीदा राजनेता हैं आप, और मुझे लगता है कि इस तरह की अगर कोई चीजें घटती हैं तो उसका सबसे अच्छा जो उपचार है वो यही है कि उसको एक तो बहुत अधिक तूल ना मिले और दूसरा पार्टी के ही किसी प्रवक्ता की तरफ से, पार्टी की तरफ से उस पर एक हम्बल जेस्चर सामने आए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार ये बयान राजनीति के आकाश में मंडराते रहते हैं, उससे हम सभी को मुक्ति मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनेताओं का, बहुत अच्छा लगा बात करके। विजय जी, जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस बयान को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या कहा था उन्होंने, एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। कमलनाथ चुनाव है कांग्रेस के साथ।
साहब, नहीं एक प्रत्याशी साहब, वो तो हमारे नातेदार साहब हैं।